अब पवन सिंह के गाने में बखरा स्वैग गाने का क्या कनेक्शन? तो बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, वीडियो में बने रहिए, सब समझ में आ जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पवन सिंह का एक नया गाना रिलीज हुआ है, कमरिया पतरे पतरे। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आप सबको इसी हीरोइन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हीरोइन कौन है, इनको पवन सिंह का ये गाना कैसे मिला और भी सब कुछ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि इस नई मॉडल हीरोइन का नाम है दिव्या रलहन। दिव्या रलहन पंजाब से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनका जन्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में हुआ है और ये दिल्ली में ही रहती हैं। बात करें इनकी एजुकेशन की तो दिव्या रलहन MBA किए हुए हैं। बात करें दिव्या रलहन के करियर के बारे में तो दिव्या रलहन अपने कॉलेज के टाइम पर ही एक डांस ग्रुप के साथ ज्वाइन हुई थी। उनका डांस ग्रुप जगह जगह पे जाके परफॉर्मेंस किया करता था और उसी दौरान उन्हें एल्बम्स में काम करने का मौका मिला। 2015 में आई बादशाह का एल्बम बखरा स्वैग में दिव्या रलहन को काम करने का मौका मिला। इस गाने में जो आप चार पांच लड़कियां देख रहे हैं, उनमें से एक तो हैं दिव्या रलहन और एक हैं नम्रता मल्ला। जी हाँ, बखरा स्वैग गाने में नम्रता मल्ला और दिव्या रलहन दोनों ने काम किया है और उसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हुई थी और इसी दोस्ती के कारण इन्हें पवन सिंह का एल्बम कमरिया पतरे पतरे मिला। सॉन्ग लाल घघरा के प्रमोशन के टाइम पर भी नम्रता मल्ला दिव्या रलहन को साथ में लेके गई थी और तभी उनको पवन सिंह से मुलाकात हुई थी। आप सबको ये भी बता दूं कि दिव्या रलहन पहले भी भोजपुरी में काम कर चुकी हैं। इनका और राकेश मिश्रा का एक सॉन्ग आया था छम्मक छल्लो, इनका भोजपुरी में ये दूसरा गाना है कमरिया पतरे पतरे। वैसे दिव्या रलहन और भी कई सारी इंडस्ट्री में जाकर आइटम सॉन्ग करती हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, अब तो भोजपुरी में साथ भी। साथ ही दिव्या रलहन मॉडलिंग भी करती हैं और ये अपने डांस ग्रुप के साथ साथ परफॉर्मेंस भी करती हैं। और आप सबको ये भी बता दूं कि ये आगे भी भोजपुरी में सॉन्ग करने वाली हैं, जैसे कि नम्रता मल्ला कर रही हैं। ये भी आपको टाइम टाइम पे किसी न किसी एल्बम में दिखाई देंगी भोजपुरी में। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी जानकारी मिले। बाय बाय।